मैंने फिलीपींस में कहीं चीनी का खनन बंद कर दिया और एक अद्भुत खोज की। खदान के अंदर एक बहुत बड़ा कंकाल पड़ा था। हालांकि जैसे जैसे साल बीतते गए कंकाल जीवाश्मों का ढेर बन गया था, लेकिन फिर भी उन्हें कंकाल पर एक विशाल परजीवी का अंडा मिला और उन्होंने इसे कंकाल के दूसरी तरफ भी पाया। ऐसा लगता है कि केवल यह अंडा बहुत पहले रचा गया था और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर रेंग कर निकला था। फिर उन्होंने बाहर निकलने का पीछा किया और पता लगाया कि जंगल में एक बड़ा घसीटता हुआ रास्ता है। यह तब तक गायब नहीं हुआ जब तक यह समुद्र तक नहीं पहुंच गया। इससे लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि किस तरह के अस्तित्व से इतनी बड़ी तबाही हो सकती है। जापान में समुद्र के दूसरी तरफ जो एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में इंजीनियर है, एक दिन उन्हें एक सहयोगी से एक रिपोर्ट मिली कि उन्होंने संयंत्र के तल पर भूकंप का पता लगाया है। भूकंप के उतार चढ़ाव बेतरतीब और अनियमित हुआ करते थे, लेकिन इस बार झटकों में एक पैटर्न मजबूत हो रहा था। जब उनके सहयोगियों ने सोचा कि यह फिलीपीन भूकंप का एक आफ्टरशॉक है, पूरा कमरा अचानक हिलने लगता है जो परमाणु लेने के लिए दौड़ पड़े रिएक्टर बंद। केली ने अपनी पत्नी से संपर्क किया जो रखरखाव के लिए नीचे थी, लेकिन झटके बहुत जल्दी आ गए। रिएक्टर को पहले ही एक गंभीर परमाणु रिसाव का सामना करना पड़ा था, जो बाहर निकलने पर अपनी पत्नी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन उन्हें जो कुछ मिला वह एक उग्र परमाणु रिसाव था। उन्हें वाल्व को मैनुअल रूप से बंद करना पड़ा, जिसने अस्थायी रूप से रिसाव को रोक दिया, लेकिन उनकी पत्नी ने कभी इसे जीवित नहीं किया। लेकिन भूकंप की तीव्रता लगातार बढ़ती रही। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, पूरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र मलबे में तब्दील हो गया। 15 साल बाद जिस शहर में संयंत्र स्थित था उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन जो अभी भी हर दिन भूकंप के स्रोत पर शोध कर रहा है वो आश्वस्त है कि कुछ बड़ा चल रहा है। उनका बेटा फोर्ड उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था, तो वह जो के साथ अवरुद्ध क्षेत्र में घुस जाता है। जो ने इसके डिटेक्टर को देखा, उसने शून्य विकिरण दिखाया और फिर उसने बड़े कुत्तों को दौड़ते हुए देखा। उसने महसूस किया कि क्षेत्र में अब परमाणु विकिरण नहीं था। फिर सरकार ने इलाके को सील क्यों किया? जो बहुत सारे सवालों के साथ अपने पुराने घर वापस चला गया। उन्हें वह डिस्क मिली जिसका इस्तेमाल भूकंप का पता लगाने के लिए किया गया था। तभी एक हेलीकॉप्टर ने ऊपर से उड़ान भरी। पिता और पुत्र इसे देखने के लिए ऊपर गए। उन्होंने महसूस किया कि बहिष्करण क्षेत्र में एक नया भवन, एक नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया गया था। शायद इसलिए इस जगह को सील कर दिया गया है। जो जाने ही वाला था कि जब गश्ती दल वहां से गुजरा तो वे जो को पास के एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ले गए और यहां एक गुप्त शोध परियोजना चल रही थी। यह काला कोकून वही राक्षस है जिसने 15 साल पहले भूकंप का कारण बना था। प्रोफेसर एरिजोना इसके शोध के प्रभारी हैं। इस राक्षस को जीवित रहने के लिए परमाणु विकिरण की जरूरत है, इसलिए उन्होंने इसके लिए इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की। लेकिन जैसे जैसे राक्षस अधिक परिपक्व होता गया, उसने इस दिन एक ही बार में 3 परमाणु रिएक्टरों को सूखा दिया और असामान्य उतार चढ़ाव का कारण बना। इस परिचित दृश्य को जो ने देखा, जो इस समय बंद था, वह पहले से ही जानता था कि 15 साल पहले भूकंप राक्षस से जुड़ा होगा, इसलिए वह एरिजोना को राक्षस भोजन कार्यक्रम को रोकने के लिए चेतावनी देता है। वह चूंकि शरीर पर मिली जानकारी की तुलना उसके सामने आए भूकंप से करता है, राक्षस को उसके कोकून से बाहर निकलने और नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए वे बिल्कुल समान थे। प्रोफेसर एरिजोना ने अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को साइट खाली करने के लिए कहा। फिर उन्होंने बटन को पूरी तरह से राक्षस को मारने की कोशिश करने के लिए सक्रिय किया जब तक कि उतार चढ़ाव सामान्य स्तर पर वापस नहीं आ गया। कार्यकर्ताओं में से एक ने ऊपर जाकर इसकी जांच करने का साहस किया। हर कोई हैरान था कि इतनी अधिक तीव्रता वाला बिजली का झटका उस राक्षस को नहीं मार सकता है जिसे यह राक्षस नया कहा जाता है। न केवल एक विशाल शरीर के रूप में बल्कि इसके पास एक आधुनिक तकनीकी कौशल भी है। जब यह बिगफुट जमीन पर फेंका जाता है तो हस्तक्षेप की मुद्रा तुरंत फैल जाती है। चारों ओर मीलों की गिरावट के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परेशान हो जाते हैं। तभी कर्मचारियों ने बैकअप शक्ति को सक्रिय किया और आप एक प्राचीन प्राणी हैं जो लंबे समय से विलुप्त हो चुके हैं। जैसा कि यह अब तक कैसे जीवित रहा, हम बचाएंगे कि अंत घटना के लिए एक राक्षस की शक्ति के साथ कैटावर दुर्घटना में मरने वाले श्रमिकों की संख्या भी बढ़ रही है, जिसमें जो भागने की कोशिश की थी उसमें से बाहर निकलने के लिए गड्ढा, लेकिन इस समय वह नुकसान नहीं करना चाहता था। इसके बजाय उसने अपने पंख फड़फड़ाए और जल्दी से यहां से उड़ गया। इस घटना के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र में खलबली मच गई। एरिजोना गुप्त परियोजना को आधिकारिक तौर पर सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। वह जो की मदद चाहता है ताकि वह अपना काम जारी रख सके, लेकिन जो गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ देर बाद विमान में ही उनकी मौत हो गई। तो यहाँ हमारा एस्ट्रो बेटा उसकी मदद करने के लिए है और उसकी मदद मांगने का कारण बताता है। 1954 में वापस एक अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी पहली बार अभूतपूर्व गहराई तक पहुँची और एक विशाल अज्ञात प्राणी को जगाया। पहली जांग में वैज्ञानिक एक रूसी पालतू जानवर थे। फिर जब रूस को इसका पता चला तो उसने सीधे समुद्र तल पर परमाणु बम गिरा दिया, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए।
यूएस ने सोचा कि रूसी चाल चल रहे हैं और उन्होंने समुद्र की तल पर कई बम फेंके। वे बस एक दूसरे पर बम और एक दूसरे पर बम फेंकते रहे, लेकिन मरने के बजाय समुद्र की तलहटी में रहने वाला विशालकाय जीव युवा होता जा रहा है। और वैज्ञानिकों ने इसके अध्ययन से पाया है कि यह जीव वास्तव में इंसानों से लाखों साल पहले दिखाई दिया था, जिस कारण से उन्होंने समुद्र के नीचे गहरा पाया, क्योंकि इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, पृथ्वी का कोर। दूसरे शब्दों में, यह भी एक प्रकार का राक्षस है जो इस राक्षस का अध्ययन करने और उसे रोकने के लिए परमाणु विकिरण पर रहता है। सम्राट नामक एक गुप्त परियोजना शुरू की गई थी, उन्होंने राक्षस को गॉडज़िला नाम दिया। यह आदिम पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वोच्च शासक है। अब वह जो जिसके पास ऐसा करने की दूरदर्शिता थी मर चुका है, एरिजोना याद रखना चाहता है कि क्या जो ने कभी कुछ कहा, और फोजो को यह कहते हुए याद करता है कि कुछ बात कर रहा था और संचार कर रहा था। जो इकोलोकेशन विधि पर काम कर रहा है, जो राक्षसी ध्वनि तरंगों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करती है, और फिर अगली बात सैन फ्रांसिस्को में एक घने जंगल में बहुत जटिल है। यूएस सेना विशेष बल इकाई एक रूसी पनडुब्बी की तलाश कर रही है जो अचानक गायब हुआ। तुम सही हो, वे वास्तव में जंगल में पनडुब्बी की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि रूस को इस क्षेत्र में पनडुब्बी से संकेत मिला है, इसलिए उन्होंने अमेरिकी सेना से इसे खोजने में मदद करने के लिए कहा। जबकि सैनिक विश्वसनीयता पर हड़बड़ी की शिकायत कर रहे थे, लापता पनडुब्बी सबकी आंखों के सामने आ गई। लेकिन जब हेलीकॉप्टर यहां पहुंचे, तो उन्होंने आप में पनडुब्बी के पीछे के राक्षस को पाया कि वह एक परमाणु वारहेड पर चबा रहा था, और फिर उसने बम को एक घूंट में निगल लिया। जनरल ने निगरानी पर दूरस्थ लाइव फीड को देखा, इसलिए उसने तुरंत प्रतिरक्षा को नष्ट करने के लिए सेनानियों को भेजा जो अभी भी यहां परमाणु बम खा रहे हैं। उसने देखा कि मनुष्य करीब और करीब आ रहे थे। इससे वह थोड़ा क्रोधित हो गया और अपने तंबुओं के गहरे लाल रंग की चमक के कारण उसने अपना पैर जमीन पर पटक दिया। पोस्ट हस्तक्षेप तुरंत आसपास के हजारों किलोमीटर के लिए विकीर्ण होता है। हस्तक्षेप करने वाले लड़ाकू विमानों ने शक्ति खो दी और जमीन पर गिर गए। पास के शहर में भी अंधेरा था, जबकि भीड़ पहाड़ पर विमानों की आग को देख रही थी। इससे पहले कि लोग बच पाते, समुद्र अचानक एक बड़ी सुनामी में बह गया। अच्छे आदमी को रोशन करने के लिए कई लोग समुद्री सैनिकों द्वारा भड़के हुए थे, लेकिन उन्होंने पाया कि एक विशाल काला जीव धीरे धीरे इस दृश्य को आगे बढ़ा रहा था। इस दृश्य ने सीधे भीड़ को गूंगा कर दिया। कुछ सैनिकों ने प्राणी पर गोली चलाई, लेकिन यह जब यह उनके पास आया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी आवाज उठाई, लेकिन प्रतिरक्षा एक मजबूत दुश्मन से लड़ना नहीं चाहती थी। वह मुड़ा और अपने पंख फैलाए और तेजी से भागने लगा। गॉडज़िला को समुद्र में गोता लगाना पड़ा। गॉडज़िला को मानव सेना द्वारा अनुरक्षित किया गया था और उसका पीछा करते हुए एरिजोना तक आपने सोचा था कि प्रतिरक्षा एक साथी को बुलाने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन इसने गलती से गॉडज़िला को बाहर निकाल दिया। जब एरिजोना ने मेरे बारे में अपने साथी से बात की, उसे फिलीपींस में मिले बग के अंडे की याद आई, इसलिए उसने एक टीम को उस जगह पर जाने के लिए कहा जहां परमाणु कचरा जमा था और जांच की, क्योंकि एरोसोल ने अंडे को गुप्त रूप से वहां रखा था। जब सैनिक ने एक कमरे में कुछ असामान्य देखा, उसने एहसास हुआ कि प्रतिरक्षी और अंडा भी फूट चुका था। वो पहले ही काफी खा पी चुका था और फरार हो गया। अब तीन राक्षस एक साथ उत्पात मचा रहे थे। जनरल ने तुरंत उन तीन राक्षसों को हल करने की योजना बनाई, जो वह समय परमाणु बम को चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। तीनों राक्षसों को इसे पकड़ने दे और फिर परमाणु बम विस्फोट करें। परमाणु विस्फोट के जोखिम को कम करने के लिए उसने इसे समुद्र में विस्फोट करने का फैसला किया। इसलिए डीप ब्रिज में कोर्ट द्वारा एक बड़ी सेना इकट्ठी की गई, क्योंकि यही पर राक्षस जुटेंगे। गॉडज़िला एक युद्धपोत के साथ कट्टर दुश्मन और यूटीएल को मारने के लिए गया। इसके बजाय सेना ने परमाणु बम के लिए टाइमर को सक्रिय किया, जिसका इरादा गॉडज़िला को फिर से जीवित लौटने से रोकने का था। हालांकि बम को सक्रिय करने के तुरंत बाद कई युद्धपोतों और विमानों ने अपनी शक्ति खो दी। आकाश से गिरने के लिए एक पॉजिटिव हस्तक्षेप आया, इसने तुरंत परमाणु बमों से युद्धपोत को डुबो दिया। यह अचानक फिर से सामने आ गया, फिर उसने परमाणु बम को युद्धपोत से हटा दिया, लेकिन इस समय उसने इसे निगलने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने इसे दूसरे साथी को देने के लिए दूर रख दिया। अब भोजन यूटीएल में हाथ में था, अपने पंख उठाता है और शहर की ओर उड़ता है। जनरल ने योजना में बदलाव देखा, इसलिए उसने परमाणु बमों को निष्क्रिय करने के लिए एक बम निरोधक दल भेजा, और आप में अपने साथी के पास आने के लिए मेरे पास एक पुरुष था जो उससे बड़ा है, वह एक महिला है, अंडों के लिए भोजन एकत्रित कर रही थी। वह अपने पेट में लेटने वाली थी। वहाँ वह जमीन को नुकसान पहुँचाती रही और उसी जगह मौत को बड़ा गड्ढा बना दिया। फिर उसने अपने पेट से अंडे बाहर निकालने शुरू कर दिए। इस दृश्य की खोज फोर्ड ने की थी, जो बम निरोधक टीम के नेता के रूप में सही समय पर है। वह टीम को दूसरी तरफ से गड्ढे में ले गया। चुपचाप परमाणु बम महिला द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। यह आपके युवा के विकास के लिए पोषण का नाश्ता हो सकता है। युगियों में अपने अंडे देने के बाद आने वाले गॉडज़िला द्वारा खोजा गया। गॉडज़िला उसके पास गया और उसे चौकोर में पकड़ लिया।
गॉडज़िला ने तब अपने नुकीले दांत खोले और बुरे शब्दों के लिए महिला प्रतिरक्षा बन गई। जैसे ही गॉडज़िला ने महिला और ओटेक्सोस के जीवन को समाप्त करने के लिए अपना पैर उठाया, विनमेल प्रतिरक्षा ठीक उसी समय उत्पन्न हुई जब महिला प्रतिरक्षा, जो तुरंत भागने में सक्षम थी, गॉडज़िला पर कूद गई। गॉडज़िला पर दोनों ओर से हमला किया गया। यह बहुत निष्क्रिय स्थिति नहीं थी। टीम ने पहले ही परमाणु बम गिरा दिया था, फिर वे तेजी से यहां से भाग निकले। वे अब तक जीवित हैं। गॉडज़िला को पता चला कि अंडे से बच्चे निकले हैं, इसलिए वह बदला लेने के लिए गहरे समुद्र से बाहर आया। इसने इंसानों के लिए कुछ नहीं किया। वास्तव में गॉडज़िला को मनुष्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि उसे रेडियोधर्मी सामग्री की आवश्यकता होती तो वह पृथ्वी के केंद्र में रह सकता था और भोजन और पानी प्राप्त कर सकता था। उन्हें इंसानी दुनिया में क्यों आना पड़ रहा है? ट्वीट। इस बार गॉडज़िला प्रकट हुआ और उसने भयंकर जानवरों को मार डाला। यह गॉडज़िला सैन फ्रांसिस्को के नागरिकों के लिए शहर का उद्धारकर्ता हो सकता है, लेकिन गॉडज़िला ने इसकी परवाह नहीं की। उन्हें प्रसिद्धि और भाग्य में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह समुद्र में गोता लगाता है और धीरे धीरे आँखों से ओझल हो जाता है। तो दूसरी फिल्म में किस तरह की रोमांचक कहानी होगी? यदि आपके पास कोई विचार है तो आप सदस्यता ले सकते हैं और टिप्पणी छोड़ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। आपसे अगली बार मिलेंगे।